मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे, जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला, हथियार रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू देशभक्त और देशद्रोही असल कौन है, क्यों इसके मायने तब्दील किए जा रहे, क्या इस मुल्क का संविधान, क्या इस मुल्क को ना मानने वाले, इस मुल्क की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले देशभक्त हैं या देशद्रोही, या फिर वो लोग जो इस मुल्क के संविधान के दायरे में अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं। खैर आज पर तबसरा इसी पर। हालात जिस कदर करवट ले रहे हैं, मुस्लिम समाज को अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए और इस मुल्क के संविधानिक ढांचे को बचाने के लिए लड़ना होगा। पिछले हफ्तों में अहम वारदातें पेश आई जिससे और भी हालात को संजीदा होते हुए देखा जा रहा है। एक तरफ बेहिस माशरा तो दूसरी तरफ इंतजामिया से लेकर इख्तदार पजीर पार्टियां तक कानून संविधान विरोधी कामों को बेझिझक अंजाम दे रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हेट स्पीच पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बिला किसी ताखिर जो भी किसी मखसूस समाज के खिलाफ जहरीले अल्फाज इस्तेमाल करता है उस पर मुकदमे दायर कर गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ खुले मंचों से जहरीले बयान देते हुए मारने काटने की बात की जाती रही है, और यही वो लोग है जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। तो देशभक्त और देशद्रोही में फर्क क्या है? हाल ही में मुल्क की राजधानी दिल्ली में सनातन धर्म संसद के नाम पर इजलास का एहतमाम किया जाता है और इसमें खुले आम मुसलमानों को मारने काटने की बात कही जाती है, पर ताज्जुब तो उस बात पर होता है कि पुलिस ने बजाय नफरती बयानबाजी करने वालों को नोटिस देकर उन पर मुकदमा दायर करते धर्म संसद की रिपोर्ट दिखाने वाले साफियों को ही नोटिस दी गई। एक और अजीब बात यह भी देखी जा रही है कि प्रोग्राम इजलास किसी भी मकसद से रखा जाए, वहां मरकजी मौजू भारत के मुसलमानों को ही निशाना बनाना होता है और इन पर किसी तरह की कार्रवाई पुलिस की जानिब से नहीं होती, ये भी एक सच्चाई है और इसे अब देखा भी जा रहा है। अगर दिगर मजाहिब के लोग किसी इजलास की इजाजत भी तलब करते हैं तो कई सारे दस्तावेज और तमाम तरह की पाबंदियां आयद कर पूछताछ की जाती है, लेकिन खुलेआम किसी धर्म विशेष के लोगों की नस्ल कशी की बात की जाए तो इन पर कार्रवाई नहीं की जाती, और इस तरह के मामले अब दिगर रियासतों में भी देखे जा रहे हैं। हाल ही में रेल में सिर्फ मुस्लिम होने पर हिंदुत्व तंजीमों के अफरादों ने असीम हुसैन को बेल्ट से पीटा। एक और वारदात में उज्जैन से मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की के साथ सफर करने के जुर्म में पीटा गया था। खैर इन तमाम मामलों में बजाय गुंडागर्दी कर शरीफ लोगों को हिरासा करने वाले फिरका परस्तों को हिरासत में लेने के उल्टा मुसलमानों की ही तहकीक थाने में बिठा कर की जाती है, और यही आज का भारत है, यही बदलते हुए भारत की तस्वीर है। जबकि गुंडागर्दी करने वाले फिरका परस्त आजाद घूमते रहते हैं, फिर असल देश विरोधी कौन? अदालत के हुक्म के बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय खुलेआम कुछ भी कह दे और ये कह दे कि मैंने अब तक 83 मुसलमानों का कत्ल किया है और मुझे 100 करना है, या ये देशभक्त है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या फिर जो लोग संविधान को मानते हैं और संविधानिक दायरों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वैसे देखा जाए तो अब संविधान को बदलने वाले या संविधान के मुखालफत करने वाले ही देशभक्त बने बैठे हैं। कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही, इसके मायने ही बदलते जा रहे हैं। दिल्ली फसाद और जेएनयू मामले को लेकर अदालत ने 11 लोगों को बाइज्जत बरी किया, जिसमें शर्जिल इमाम, सफर जरगर और आसिफ इकबाल शरीक है। जेएनयू में एहतजाज करने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 11 महीने तक इन्हें जेल में रखा गया। अगर एहतजाज संविधानिक हक है तो इन पर UAPA भी लगाया गया। अदालत ने जो फैसला दिया ये भी सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। अदालत ने इन्हें बलि का बकरा कहा, यानी पुलिस के किरदार पर ही सवाल उठाए, लेकिन अब तक कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई ये भी उतना ही अहम सवाल है। तीनों मुसलमान थे और जब कोई मुसलमान होता है तो इन्हें आतंकवादी, जिहादी कहना बहुत आसान हो जाता है, और सबसे ज्यादा अजीब बात यह होती है कि मीडिया ट्रायल चलाए जाते हैं। गिरफ्तार होते ही इनके तार अलकायदा पाकिस्तान तक जोड़ दिए जाते हैं। अरसे बाद बाइज्जत बरी होते हैं तो इनकी बेइज्जती और इनके किरदार को दागदार करने वालों को कसूरवार नहीं ठहराया जाता। अगर रियासत कर्नाटक की ही बात करें तो हुबली के 150 नौजवान आज भी UAPA के तहत जेलों में बंद है। आखिर कैद खानों में से सकती इनकी जिंदगियों का कौन जिम्मेदार? छोटे छोटे कारोबारी,
ताजिर या ठेले वाले जेलों में बंद हैं। इसी तरह बिदरालंद और गुलबर्गा के मुस्लिम महज एहतजाज के जुर्म में बंद किए गए हैं। अगर इस तरह दोहरा रवैया अख्तियार किया जाएगा तो अदालतों के साख को भी नुकसान होगा। मुस्लिम माशरे का अलमिया ये है कि जो आवाज उठाता है उनके साथ ये माशरा भी खड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस सियासी लीडरों के दबाव में काम करती दिखाई दे रही है। बदलते हालात बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बेलगाम में भी जानबूझकर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश बारहा की जाती रही है। किसी न किसी इबादतगाह को निशाना बनाकर इस पर सियासी रोटियां सेंकने की साजिशें रोजाना चली जा रही है। आज भी मस्जिद फातिमा को इसी साजिश का हिस्सा बनाकर बंद किया गया। मामला अदालत में पहुंचता है तो तवील अरसे तक जेर समात रहता है। भारत में मुस्लिम समाज अजीब दोहराए पर खड़ा नजर आ रहा है। इसी दौरान कुछ मुसलमान नाम निहाद लीडर या फिर किसी पार्टी के लीडर के पीछे अंधभक्त बनकर चलते भी रहते हैं। किसी भी मसले पर कोई भी दूरअंदेशी मुसलमानों में नजर नहीं आती। चिंतन बैठक के नाम पर महज वक्ती मुजाकरे से आगे बात बढ़ने को तैयार नहीं, और कोई सोच भी रहा है तो महदूद दायरों में सिमट कर रह जाता है। कहीं पर भी किसी तरह की रोशनी नजर नहीं आ रही। उलमा, दीनी रहनुमा या फिर सियासी लीडरान धीरे धीरे अपनी साख अपना वकार खोते दिखाई दे रहे। मिल्लत में किसी तरह का जोड़ नजर नहीं आ रहा। दिगर मजाहिब के लोगों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दलित, ईसाई और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म तो दूर अपने अपने अलग जंग लड़ते दिखाई दे रहे, उसमें भी मुसलमान बटा हुआ नजर आता है। मुसलमानों में तो लड़ने वाला गिरोह है ही नहीं। इनको एहसास ही नहीं कि इनके ऊपर क्या हालात आए हैं और किस तरह के जुल्म इन पर हुए जा रहे हैं। क्योंकि जिस कौम को जुल्म का एहसास ही नहीं रहता तो वह आवाज भी नहीं उठाती। हिंदुत्व के आलमबरदारों को सिर्फ मुसलमानों से नफरत ज्यादा है और इसी नफरती एजेंडे को रोजाना आगे बढ़ा रहे हैं। खुद संविधान विरोधी बातें कर मुसलमानों को संविधान विरोधी और देशद्रोही साबित करने में इन्हें कामयाबी भी मयसर हो रही है। ईसाई और दलितों से भी गई गुजरी कौम मुसलमान बन चुकी है। खैर, हाल ही में अदालत के फैसले के बाद फिरका परस्तों में किसी तरह अदालत को लेकर संजीदगी नजर नहीं आ रही। खुलेआम जो चाहे बयानबाजी की आदत इनको हो चुकी है और पुलिस बजाय इन पर कार्रवाई के इनकी पुष्ट पनाही की तस्वीर ही नजर आ रही है। आज भी हजारों मुसलमान जेलों में बंद है। हमारे देश में जेल आबाद ही मुसलमानों से है। जेलों की हालत क्या है, लंबी कानूनी लड़ाई कितनी मुश्किल है, ये सभी जानते हैं। लेकिन सत्ता में आने वाली पार्टी शायद ये सवाल हमेशा विपक्ष से पूछने के लिए ही छोड़ देती है, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा, हर दौर में इस तरह के वाकये देखे जा चुके हैं। लेकिन 2014 के बाद तो और भी हालात संजीदा बन चुके हैं। आज फिर से इन दो वाकियों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इसी हफ्ते ये दोनों वाकये पेश आए। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, यहाँ बरोज इतवार 5 फरवरी को सनातन धर्म संसद के नाम से एक इजलास का एहतमाम किया जाता है। इजलास बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के हिमायत में की गई थी। इसका एहतमाम बागेश्वर बालाजी धाम शिष्य मंडल नाम के तंजीम ने किया। बतौर मुकर्रर भक्त हरी था। इजलास में कसीर तादाद में लोग पहुंचे थे। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए तहफ्फुज दस्ते की मांग भी की गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ भड़का और तशद्दुद फैलाने वाले बयान दिए गए। मुसलमानों को मारने, काटने और उन्हें तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। फिलहाल हेट स्पीच का इल्जाम भक्त हरी पर लगाया गया है। सोशल मीडिया पर इजलास के वीडियो क्लिप भी डाले गए। क्लिप में एक शख्स मुसलमानों और ईसाइयों को मारने की बात कर रहा है। दूसरा वाक्य यह है कि संविधान के दायरे में एहतजाज करने पर 13 महीने जेल में रखा गया, 11 लोगों की रिहाई अमल में आई। अदालत ने 33 पन्नों की रिपोर्ट पेश की जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मतलब फिरका परस्त जो संविधान के धज्जियां उड़ाते हुए नफरती बयानात देते हैं उन पर तो कार्रवाई नहीं है, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए एहतजाज पर UAPA लगाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है। आखिर देशभक्त और देशद्रोही के मायने क्यों बदले जा रहे हैं, ऐसा सवाल पूछना भी लाजिम हो जाता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।